हेलो फ्रेंड्स, आदित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सीजन के प्रकार के बारे में बतलाने वाले हैं। यह जो है पार्ट टू के रूप में है और मैंने पार्ट वन लाया है, उसमें मैं आपको इसके बहुत सारे प्रकार को बतलाया है और इससे सावधानियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में भी मैं पिछले भाग में पूरी तरह से जानकारी दिया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको है जो कि इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि पार्ट टू के रूप में मौजूद है। तो सबसे पहले है कटिंग टूल से छैनी के बारे में बात करते हैं, यानी चीजें के बारे में। तो परिचय है इसका, इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। छैनी एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग ऐसी आवश्यक धातु सरप्लस मेटल को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हेक्सा द्वारा आसानी से नहीं कटता। इसका प्रयोग पतली चादरों यानी शीट्स को दो या दो से अधिक भागों में काटने के लिए भी किया जाता है। इसके द्वारा कटा हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होता, विशेषकर इसका प्रयोग कार को जल्दी करने के लिए किया जाता है। कार के अनुसार यह कई आकारों व साइजों में पाई जाती है। तो आप लोगों ने जाना कि इसे इसके परिचय के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिला। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में। चीजल प्रायः उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील का से बनाई जाती है, यानी जो है मटेरियल जो इसका होता है चीजल का, वो जो है हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। बनने का मतलब यह होता है कि यह काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसकी बॉडी प्रायः षटभुज आकार की होती है, यानी यह जो है आकार है षटभुज आकार है, इसे आकार दी गई है षटभुज। चीज को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके कटिंग एज से लगभग 25 से 35 mm तक भाग को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक है जो कि भाग जो कि 25 से 35 mm का भाग होता है, इसे हम लोग हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। चीजल का वर्गीकरण इसकी लंबाई, केस की चौड़ाई और कटिंग पॉइंट के अनुसार किया जाता है। यानी अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें चीजल के, तो लंबाई, फेस की चौड़ाई, कटिंग पॉइंट के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। हेड के बारे में बात करते हैं। यह चीजल का ऊपरी भाग होता है, यानी हेड जो है ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो होते हैं ऊपरी भाग होते हैं, जिसको कैम्फर यानी कैम्फर कर दिया जाता है। बार बार चोट लगने से यह फैल जाता है, यानी यहाँ पे है जो कि बार बार चोट लगता है तो यह इधर उधर फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि मशरूम हेड कहते हैं। इसलिए ऐसे सिर को ग्राइंडिंग करके ठीक करने के बाद ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है, यानी इस भाग को हार्ड या टेम्पर नहीं किया जाता है। इसका यूज करने से क्या होता है कि इसके जो भाग हैं इधर उधर हो जाते हैं, उस भाग को हम लोग करते हैं मशरूम हेड। और जब यह मशरूम हेड हो जाती है तो इसे हम लोग को ग्राइंडिंग नहीं करना चाहिए, इसे ठीक करने के बाद ही इसे हमको प्रयोग में लानी चाहिए। तो ये सारा चीज़ें जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी या स्ट्राइक। बॉडी व स्ट्राइक या सीजन का बीच का भाग होता है जो कि प्रायः चटभुज या अष्टभुज आकार से में होता है। इस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं कटिंग एज के बारे में। कटिंग एज का प्रयोग चीजल का कटिंग ऐसे चीजल का कटिंग एज धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। चीजल का यह भाग कटिंग करता है, इसलिए इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। यानी आपको कटिंग एज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको है जो कि ग्राइंड करके बनाया जाता है, यानी कटिंग एज को जो कि है सही कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। यह चीजल का भाग कटिंग करता है, इसलिए इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। देखिए चीजल का कटिंग एंगल धातु के अनुसार इस प्रकार माना जाता है, नीचे दिया गया है, जिससे कि है पहला में क्लैट चीजल, इसमें जो कि स्टील होते हैं 70% और इसमें कास्ट स्टील 60% और इसमें कॉपर हुआ ब्रास होते हैं 45% और जिंक और एलुमिनियम होते हैं 35%। यह जो है एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
जैसे कि इसमें आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्लैट सीजर में जो कि है स्टील कितना परसेंट होता है, कास्ट स्टील कितना परसेंट होता है, कॉपर व ब्रास कितना परसेंट होता है, जिंक और एल्यूमिनियम कितना परसेंट होता है, और इसी तरह आपको कास्ट कट चीजल के बारे में पूछेंगे कि इसमें स्टील है जो कि 70% और कास्ट स्टील 60%, कॉपर व ब्रास यहाँ पे 45% और जिंक और एल्यूमिनियम 35%। तो इसमें है जो कि स्टील है जो कि सेम है 70-70% क्लैट चीजल या प्रॉस कट चीजल में 70-70% है, ये आसान है आपके लिए याद करना। और कास्ट स्टील भी है 60-60% और ये भी है जो कि 45% और ये भी है जो कि सेम है। तो ये चीज़ जो है जो कि आपके लिए आसान है याद करना, और इसके इससे है जो कि यहाँ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको ये निहाल ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि कभी भी इससे आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। तीसरा है डायमंड पॉइंट चीजर, इसमें जो कि स्टील का प्रयोग 60% किया जाता है और कास्ट स्टील का प्रयोग 60% और कॉपर व ब्रास का प्रयोग 60% और जिंक और एल्यूमिनियम का प्रयोग 60%, यानी सारे चीज़ों का लगभग सेम परसेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में। 60-60-60-60 यानी स्टील भी 60, कास्ट स्टील भी 60, कॉपर व ब्रास भी 60 और जिंक और एल्यूमिनियम भी 60। अब हम बात करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल के बारे में, इसमें है जो कि स्टील का प्रयोग 45%, कास्ट स्टील का प्रयोग 45%, कॉपर व ब्रास का प्रयोग 45% और जिंक और एल्यूमिनियम का प्रयोग 45%। इसमें आपको इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाफ राउंड नोज डीजल में कास्ट स्टील का कितना परसेंट यूज किया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपको 35%, 45%, 55%, 65%, तो आपको टिक लगाना है 45%। और इसी तरह इसमें ये भी पूछे जाएंगे कि जिंक और एल्यूमिनियम का कितना परसेंट होता है, तो इसमें भी ठीक उसी तरह आपको मिलेंगे आंसर, तो उसी तरह ठीक आपको करके आना है और आपको ये सारा जो ये चीज़ है आपको याद कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।